अगला कदम ये है कि हमारा ये समाधान होना चाहिए आगे हमारी ये चीज पॉइंट पे हमें लूटा गया रात को करीबन 1 बजे। मतलब चोरी नहीं, डकैती कह सकते हैं, डकैती भी आपने कहा हथियार के बल पर, हथियार के बल पर चोरी नहीं हो सकती, हथियार के बल पर डकैती होती है। यार मैं अभी ये हथियार वाली बात नहीं आई है, देखिए पुलिस अपना काम कर रही है, अभी 3 दिन का 3 दिन हो गए जी। और नहीं सुनिए, और जो आप पूरा गांव जो लेकर के यहाँ आ गए हैं इसके क्या है ये जी? नमस्कार, आप देख रहे हैं ओके न्यूज हरियाणा और मैं हूं सतेंद्र यादव। हरियाणा का पहला चैनल जो पूरी तरह से विज्ञापन फ्री है, क्योंकि खबरों से समझौता हम नहीं करते। यह अटेली पुलिस स्टेशन है मेरे पीछे, और यहां जो जानकारी हमें मिल पा रही है कि बेगपुर गांव में 2-3 दिन पहले जो चोरी हो गई थी, उस मामले को लेकर जो बेगपुर के जो ग्रामीण हैं वो यहाँ थाने में आ धमके हैं, और आकर के इनका मानना यह है कि जब तक SP खुद यहाँ पर नहीं आते हैं वो यहाँ से नहीं हटेंगे। जिनके घर में चोरी हुई है और क्या कुछ चोरी हुआ है, पूरा माजरा क्या है, जो है इनसे बातचीत करते हैं और अपने दर्शकों को बताते हैं कि क्या कुछ हुआ है। कैमरामैन से चाहूंगा थोड़ा आगे आ जाए। हमारे साथ में बेगपुर निवासी विक्रम हैं और मनोज हैं, इनके घर में क्या कुछ चोरी हुआ है, क्या कुछ पूरा माजरा है। बताया जा रहा है कि इनके घर से काफी जो आभूषण हैं, जेवरात हैं, वो चोरी हुए हैं, और क्या पूरा मामला है इन्हीं से जान लेते हैं। मनोज स्वागत है ओके न्यूज हरियाणा पर। हाँ जी नमस्कार, मेरा नाम मनोज है। मेरे घर में चोरी हुई है परसों 3 दिन पहले 4 तारीख को। मेरे घर में सोने के जेवरात थे वो ले गए, और कुछ नकदी थी 30-35 हज़ार रुपए वो ले गए। गन पॉइंट पे हमें लूटा गया रात को करीबन 1 बजे। मतलब चोरी नहीं, डकैती कह सकते हैं, डकैती भी कह सकते हैं। आपने कहा हथियार के बल पर, हथियार के बल पर चोरी नहीं हो सकती, हथियार के बल पर डकैती होती है, बड़ा मामला। और हम थाने में आए हैं SHO साहब के पास, 3 दिन से कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ना वो चोर अभी तक पकड़े गए हैं। हम ये चाहते हैं कि जल्दी जल्दी उन्हें पकड़ा जाए, ताकि हम संतुष्ट हो। नहीं, हम किसी को नहीं देख पाए जी, उनके मुंह पे वो बांध रखे थे रुमाल वगैरह ब्लैक कलर के। पूरा सोना जो चोरी है उसके अलावा पैसे और क्या? पैसे सोना यही चोरी हुआ है बस। तो विक्रम हमारे साथ में, विक्रम आपके घर में क्या कुछ चोरी हुआ उसको छोड़ दीजिए, क्या कुछ चोरी हुआ आपके? हमारे घर में 35,000 रुपए नगद थे, 3 गुट्ठी थी, सारे सोने की चैन वगैरह सारी थी जी, बहुत घने का सामान लूटा। देखिए पुलिस अपना काम कर रही है, अभी 3 दिन का 3 दिन हो गए जी। और नहीं सुनिए, और जो आप पूरा गांव जो लेकर के यहाँ आ गए हैं इसके क्या है ये जी? पुलिस कुछ कार्रवाई नहीं कर रही थी, नहीं कर रही कुछ भी। गांव जो जब यहाँ फेल आया है, क्या डिमांड क्या है आपकी? हमारा आभूषण ये हमारे को प्राप्त होना चाहिए, चोरों को पकड़ा जाए। आपकी जो चोरी सामान हुआ है, लूटा गया है कि चोरी हुआ है, थोड़ा क्लियर? लूटा गया है जी, भाई ने बताया चोरी हुआ है हथियार के दम पर। हथियार के दम पर आप कहते हो तो चोरी नहीं कर सकते, इसको फिर डकैती कहेंगे? डकैती हुई है जी, डकैती हुई है। बड़ी बात यहाँ देखने को मिल रही है, जैसा कि विक्रम ने, इनके घर पर चोरी हुआ है, इनका कहना ये है कि इनके घर पर डकैती हुई है, हथियारों के बल पर जो है सामान लूटा गया है, पैसे और जेवरात लूटे गए हैं। और आप क्या कुछ कहना? छोटे छोटे बच्चे हैं ना हमारे गांव में, वो भी डरे हुए हैं, स्कूल भी नहीं जा रहे हैं। मतलब बड़ी बात ये है, यहाँ देखने को बड़ी बात, जैसे कि ग्रामीण बता रहे हैं कि जब से ये घटना हुई है गांव में, बच्चे स्कूल तक नहीं जा रहे हैं और घबराए हुए हैं कि हथियारों के बल पर हमारे गांव के बीच से इस तरह से डकैती की जो घटना हुई है, बड़ी गंभीर मामला जो है, जिला प्रशासन को भी, पुलिस प्रशासन को भी जो है इसको देखना चाहिए। और क्या कुछ इस विषय में अधिकारी कहते हैं ये भी जल्द आपको बताएंगे। लिपापोती हो रही है, आप क्या कुछ कह रहे हैं बताइए? पुलिस लिपापोती कर रही है, कोई कार्रवाई नहीं, कार्रवाई नहीं होने के कारण हम थाने में आए हैं, पूरा गाँव थाने में। पुलिस थाने में नहीं कर रही, काम नहीं कर रही है, पुलिस ने मौका मुआयना कर लिया है, लेकिन आगे की कोई कार्रवाई नहीं है इनके पास। जब तक आरोपी नहीं पकड़े जाते, हमारी संतुष्टि तभी होगी जब आरोपी पकड़े जाएंगे, हमारा सामान बरामद होगा। क्या डिमांड क्या है? हमारी डिमांड यही है, खुद अधिकारी जो खुद SP साहब है, SP साहब से मिलकर जब गांव उठेगा यहाँ से, अन्यथा गांव नहीं जाएगा, यही थाने में रहेंगे हम। ये अगला आपका, हमारा यही है, अगर करने हमारी कार्रवाई नहीं है तो हम रोड जाम करेंगे, उसका खामियाजा पुलिस भुगतेगी। राम निवास, तो बेगपुर निवासी राम निवास ने सीधा, आप जैसे आप देख रहे हैं, इन्होंने सीधा कह दिया कि जब तक आक्रोश है जी, आक्रोश पुलिस में अधीक्षक यहाँ पर नहीं आते हैं तब, और कोई संतुष्टिजनक जवाब नहीं देते हैं तब तक ये लोग थाने से जो बाहर नहीं जाएंगे, और इसके बाद भी अपराधी नहीं पकड़े जाते हैं तो ये रोड जाम कर सकते हैं। और इन्होंने कह दिया कि इसकी जो है जिला प्रशासन की जो है जिम्मेवारी होगी, हमारे एक ही गांव की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी, अगर रोड जाम होगा तो पुलिस प्रशासन जिम्मेवार होगा।
पुलिस प्रशासन पूरी तरह से जिम्मेदार इन्होंने बता दिया है। अधिकारी विषय में क्या कुछ कहते हैं ये जल्द आपको बताते हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आप? सरपंच हैं क्या हैं? जी जी सरपंच, हालिया सरपंच, सरपंच जी जी। अब क्या नाम था? वीरेंद्र, वीरेंद्र सिंह। क्या कुछ कह रहे हैं इस मामले में? पूरा गांव आपका यहां आ गया है। हाँ, हम आराम से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हमें प्रशासन से यही उम्मीद है कि हमारी इस प्रकार की जैसे सहायता करें इस मामले में और जल्द से जल्द चोरों को पकड़ के। और पुलिस का कहना तो ये है कि वो लगातार इस पर अपनी टीमें गठित कर चुके हैं, काम कर रहे हैं। जी नहीं, अभी तक जैसा मैंने देखा है 3 दिन से कोई विशेष वो इसमें नहीं हुआ है, प्रोग्रेस नहीं हुई है, प्रोग्रेस नहीं हुई है। आरोपियों को जो है अब तक जी नहीं पकड़ा गया है। अगला कदम क्या है आपका? बस अगला कदम ये है कि हम आए हैं, आराम से प्रशासन से बात करेंगे, वो हमें आश्वासन दे किस प्रकार से कब तक अपराधियों को पकड़ा जाए। जी तो शांतिपूर्वक मतलब यहाँ मतलब रिक्वेस्ट करने आए हैं कि साहब हमारी कार्रवाई करो, हमारी कार्रवाई करो, आगे अगर नहीं हो गए तो हम भी और भी कदम कुछ उठा सकते हैं, मतलब और दूसरे कदम उठा सकते हैं और जिला प्रशासन इसके लिए पूरी तरह से जो है जिम्मेदार होगा। आपका नाम अंकल जी? रणवीर सिंह यादव। रणवीर सिंह जी बताइए, ये सारा गाँव की लेडीज और पूरा गाँव बेगपुर इकट्ठा हो रहा है और अब भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला, आगे की रणनीति बनाकर उसके हिसाब से चला जाए। चलिए रणवीर सिंह ऐसा ही हमारे साथ में। सर ये जो पूरा गांव चल के आ गया, चोरी का मामला 2-3 दिन पहले का बताया जा रहा है बेगपुर, ऐसा 2 दिन पहले गांव बेगपुर में चोरी हुई थी 2 घरों में जी। उनकी FIR दर्ज कर ली गई है जी। और जल्दी से जल्दी अपराधियों का हम पता लगाएंगे। कोई किस प्रकार की टीम वगैरह गठित की है? हाँ, इस संबंध में मतलब जल्दी से जल्दी हम पता लगाएंगे चोरों के बारे में। ओके, चोरी का वो करेंगे, प्रयास करेंगे मतलब आरोपियों का पता लगाने का और जल्दी से जल्दी ट्रेस करेंगे। तो ऐसा रणवीर सिंह ने कह दिया है कि जो ग्रामीण हैं वो शांति बनाए रखें और जल्द ही चोरों को जो है अरेस्ट कर लिया जाएगा। सर अभी यहाँ हमें जानकारी मिली थी कि हथियार के बल पर अगर लूटा गया है तो उसे चोरी नहीं कह सकते, उसे डकैती कहेंगे। अभी जो साथी हैं इनके घर में चोरी हुई है, मनोज कुमार ने भी बताया कि उनके हथियार के बल पर जो है ये सब कुछ लूटा गया है, जेवरात जो थे। FIR में अभी ये हथियार वाली बात नहीं आई है। तो अभी चोरी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जल्दी से जल्दी प्रयास करेंगे इसको ट्रेस करने। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये SI रणवीर सिंह थे हमारे साथ में जो बता रहे हैं कि जल्द ही चोरों को जो है गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और जैसा कि एक साथी ने कहा कि हथियार के बल पर लूटा गया है, ऐसी शिकायत नहीं है और ऐसी FIR दर्ज नहीं की गई है। हरियाणा का पहला चैनल जो पूरी तरह से विज्ञापन फ्री है, क्योंकि खबरों से समझौता हम नहीं करते। खबर नहीं सच के लिए आप देखते रहिए ओके न्यूज हरियाणा। नमस्कार। आपका नाम जी? रमेश है। तो रमेश जी आपके घर में क्या कुछ चोरी हुआ है? हमारे घर में 11 बजे हम सोए थे, उसके बाद में हमको नहीं पता क्या छिड़किया क्या नहीं करया। नहीं, आपके घर से क्या कुछ काम हुआ? हमारे घर से सारे, हमारी लड़की की शादी थी, उसकी लड़की हमारी बार हुआ की अभी होने वाले मतलब दूसरे ना हो ही हो चुकी, हो चुकी। अच्छा। उसके सब की कनादानों की सब की टूम थी हर चीज, तो हमको पता नहीं चला। आराम तो सुते थे, मर क्या छिड़किया या क्या नहीं छिड़किया, उसलिए हम तो 5 बजे देखे। आपको जो है होश ही नहीं आया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं आया। वो उठने की कोशिश भी थी पर लेकिन जन जनात ऐसा आ रहा था हम उठ नहीं सके। मेरा लड़का चिल्लाया है खूब, मम्मी मम्मी मम्मी, तो उस वो लड़का नहीं पहले सुनाया गया था हमको, ये तो नहीं ऐसा सेक्स है। हाँ नहीं कह सकते। तो अब अगला कदम आपका क्या है? अगला कदम ये है कि हमारा ये समाधान होना चाहिए, आगे हमारी ये चीज मिलेगी या ना मिले क्या भिन्न, गवाम का समाधान होना चाहिए, चोर पकड़ा जाना चाहिए। आपके घर में चोरी हुई थी? यस सर। क्या नाम आपका? मेरा सुमन। सुमन सुमन जी आपके घर से क्या कुछ चोरी हुआ है? सर मेरे शादी के सारे गहने मेरे शादी के सारे गहने चले गए। यस। आपकी शादी कब थी? मेरी शादी 2006 में। 2006 में तो क्या कुछ चोरी हुआ है? शादी में ऐसे बताने से तो नहीं चलता इतनी मात्रा में सोना चांदी कैसे? ये तो अब सास ससुर की चढ़ाई हुई थी, टोटल तो हमें मालूम नहीं, फिर भी हम ये कह सकते हैं कि मेरी कंठी है, चैन है और मेरी झुमकी है, 5-6 जोड़ी मेरे जो कन्यादान के या फिर सास के ये सारे टोपस हैं, तो 8-8 जोड़ी मेरे पाजेब हैं, चुटकी हैं, लूंग है, यानी कि मेरे पास टोटल आभूषण थे तमाम जो है। हाँ, आपकी चुराई और कम से कम भी नकदी थी जो हमारे पास। चोरी हुआ आपका? क्या पैसे चोरी हुए क्या? नगद पैसे कितनी मात्रा? सर मेरे हस्बैंड के 30,000 रखे थे लॉकर में और मेरे पास मेरी संदूक में रखे थे अलग अलग जगह 10,000 रुपए और टोटल चोरी हो गए हैं और मेरा सारा घर का सामान, मेरे किचन तक का भी सामान बिखर रखा था उन लोगों ने।
जरा कि दूसरी काम कर रहा है।